हेलो गाइस, आज हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट करने वाले हैं कि आप लैब में कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ब्राउन रिंग टेस्ट करने के लिए आपको चाहिए फेरस सल्फेट सॉल्ट, ठीक है, जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है, और चाहिए आपको सोडियम नाइट्रेट, जिसमें ऐसा कोई सॉल्ट जिसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट हो, और आपको चाहिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके अलावा कुछ और इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे आपको डिस्टिल वाटर भी चाहिए सॉल्यूशन बनाने के लिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ड्रॉपर एंड स्पैचुला, और उसके अलावा आपको टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए और टेस्ट ट्यूब चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रोसीजर। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फेरस सल्फेट का आपको एक एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। तो उसके लिए आपको फेरस सल्फेट स्पैचुला से बीकर में एक दो स्पैचुला आपको सॉल्यूशन बनाना है। तो चलो, हमने थोड़ा सा अमाउंट ले लिया, उसको कोई मेजर नहीं करना, एक दो स्पैचुला अपने अकॉर्डिंग आप बीकर में लेके सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम लोग डिस्टिल वाटर, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, और उसको ठीक है स्टीयर करके ग्लास रॉड से मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा बीकर लेंगे और उसमें हम लोग सोडियम नाइट्रेट का सॉल्ट लेंगे और उसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। इसको भी दो स्पैचुला हम लोग ले लेंगे, ठीक है, और जो भी आप सॉल्ट यूज़ करें तो उसको प्रॉपर अच्छे से बंद करके रखें। और उसके बाद हम लोग इसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको ग्लास रॉड से इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों सॉल्यूशन बन चुके हैं, फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन एंड सोडियम नाइट्रेट का, ठीक है। ब्राउन रिंग टेस्ट हम लोग नाइट्रेट आयन टेस्ट के लिए यूज करते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम नाइट्रेट का लगभग जितना हमने फिलअप किया है इतना अमाउंट इसमें फिलअप कर लेंगे, सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन, इसको हमने साइड में रख दिया। और उसके बाद दूसरे ड्राई टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, फेरस सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम फिलअप कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसको बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है, आधे से थोड़ा सा कम अमाउंट में हम टेस्ट ट्यूब में फिलअप कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसको दोनों को हम लोग टेस्ट ट्यूब स्टैंड में ऐसे सेटअप करके रख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे हम, जो सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन था जिसमें टेस्ट ट्यूब था, उसमें हम क्या करेंगे, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन को इसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, दोनों एक तरह से इसमें करें, थोड़ा सा स्टेयर अप कर लेंगे ताकि आपस में मिक्सअप हो जाए, ठीक है। अब ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो फेरस सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट दोनों का मिक्स सॉल्यूशन है एक टेस्ट ट्यूब में, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बहुत ध्यान से आपको यूज करना है, ड्रॉपर से हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को थोड़ा सा इसमें से ड्रॉपर से हेल्प से इसमें निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब पे सॉल्यूशन है उसको स्लैंट वो 45 डिग्री के अराउंड हम उसमें धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड को इसके इस तरह से हम इसमें डालेंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। हमें ध्यान रखिएगा, हमें डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब में ऐसे नहीं डालना है, स्टैंड करके साइड से किनारे किनारे वो जाना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। अब धीरे धीरे जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को टच करे सॉल्यूशन को, तो वहाँ पर एक रिंग टाइप का बनेगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर कुछ देर तक टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देंगे। तो देखिए, कुछ टाइम बाद आपको जो रिंग दिख रहा है, आपको इस कलर देखिए, आप वो क्लियर आपको ब्राउन रिंग दिख रहा है, ठीक है। तो ब्राउन रिंग जो है इस बात का प्रूफ है कि इस सॉल्यूशन में आपको नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है NO3- नाइट्रेट आयन के टेस्ट के लिए यूज करते हैं, बहुत फेमस है, आपके NCERT थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी आपसे पूछा जाएगा कि ब्राउन रिंग टेस्ट हम किस आयन के लिए यूज करते हैं, तो नाइट्रेट आयन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हम कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं जिसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो हमने सोडियम नाइट्रेट लिया, आप लीड नाइट्रेट ले सकते हो, बेरियम नाइट्रेट ले सकते हो, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। और इसको थोड़ा सा देखिए, आपको ब्राउन रिंग क्लियर साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। आप साइड देखिए, अगर हम इसको स्टेयर करेंगे तो ये ब्राउन रिंग क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।